तो हेलो आर्मी, तो कैसे आप सभी? होप आप से बढ़िया होंगे। तो आजकल ही वीडियो हम लोग बात करने वाले स्कोप एडजस्ट बटन के ग्लिच करने में, जो कि आप में से मोस्टली लोग साथ में भी हो ही रहा होगा, ठीक है। जो कि आप लोगों को पता है, जब भी हम लोग 8x यूज़ करते हैं, हम लोग 6x यूज़ करते हैं, तो हम लोग उसको जब भी कन्वर्ट करते हैं, जो भी अपना एडजस्ट बटन आता है, जो कि अगर आप लोग अभी कंट्रोल में जाकर चेक करोगे तो आप लोग को नहीं मिले, क्योंकि जो भी ग्लिच हो चुका है, ठीक है। मतलब बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं वो तरह कहीं पर, मतलब जहाँ पर रहता है वहीं पर आप लोग करके आप लोग इजिली जो भी था स्कोप को कस्टमाइज़ कर लेते हो। बहुत सारे जो भी प्लेयर्स जो कि वहाँ से उन्होंने अपना जो भी था कस्टमाइज़ करके किसी और जगह कर रखा था, ठीक है। और अभी यहाँ पे जो भी अपना नॉर्मल हो चुका है, तो उन लोगों का बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, स्कोप को एडजस्ट करने में। तो आपसे एक बात बताऊँ कि आप लोग जो भी एडजस्ट करें उसको आप लोग कैसे एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। मतलब आप लोग पता ही बहुत ही ज़्यादा उससे प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपने सब यूट्यूब बहुत सारी वीडियो देखा हो, बट उसमें आप लोग का फिक्स नहीं होता। बट ये वाली वीडियो को आप जरूर से अंत तक देख लेना, जो भी होगा मैं आप लोग को सब कुछ क्लियर बता दूंगा। तो जो से वीडियो पूरा देखना, चले विदाउट टाइम वेस्ट की आज की सारी वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो अभी मैं आ चुका हूँ अपने गेम के अंदर में, और यहाँ पे अभी अब मैं जाता हूँ सेटिंग पे, और जो भी कंट्रोल्स को मैं कस्टमाइज पे क्लिक करता हूँ। और यहाँ पे जो भी आप लोग का, जहाँ पे आप लोग को गेम के अंदर एडजस्ट बटन दिखता है, वहाँ पे मैं सबसे पहले जो भी वहाँ पे कंट्रोल्स दिख रहा है मैंने सबका साइड कर दिया। और उसके बाद जो भी आप लोग जो यहाँ पे खाली प्लेस दिख रहा है, जहाँ पे आप लोगों ने जो भी अपना कस्टमाइज बटन देखा, वहाँ पर सिंपल से आप लोग क्लिक करना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे पूरे जगह पर मैं यहाँ पे क्लिक करा, बट मैं कोई से भी यहाँ पे कोई सही बटन मेरे को शो नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि आप लोग स्क्रीन पर देख ही सकते हो कि जो भी अपने स्कोप वाला एडजस्ट बटन वहाँ पे पूरा का पूरा ग्लिच हो चुका है, ठीक है। जैसे तो पहले तो ज़्यादा हम सिंपल से क्लिक कर लेते तो जाता था, बट अभी पूरा का पूरा ग्लिच हो चुका है, जो कि अभी आप लोगों को पता ही अपने पब्लिक लाइट के अंदर बहुत ज्यादा कोई सा भी अपडेट देखने को नहीं मिला। इसके बाद अभी पब्लिक लाइट के अंदर बहुत ज्यादा ग्लिचेज बढ़ रहे, ठीक है। जो कि आप लोगों को पता है, अभी जो भी न्यू स्क्रॉल था उसके अंदर भी ग्लिच था, ठीक है, जो कि मैंने आप लोगों को सॉल्व कर दिया था। आप लोगों ने वाला वीडियो नहीं देखा तो उसे चेकआउट कर सकते हो। बट अभी फिर से भी एक न्यू ग्लिच आ चुका है, जो कि आप लोगों ने देखे लगा, जो कि 8x और 6x का है। तो मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगी, आप लोग 6x को इतना यूज मत करो, आप लोग से कंट्रोल नहीं होता। आप लोग यहाँ पे 3x का यूज कर लो, अगर आप लोग 8x यूज करते हो तो आप उसका फुल यूज किया करो, ठीक है। नहीं तो आप लोग 6x उसमें लगा लिया करो अपने स्नाइपिंग के लिए, क्योंकि कोई सा भी ग्लिच फिक्स नहीं हुआ तो आप लोग अगर यूज करोगे तो आप लोग उसका कंट्रोल भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप लोग पता है बहुत दिन से कोई सा भी अपडेट नहीं है। तो अगर बात करें ग्लिच फिक्स कर रहे हैं, तो आप लोग को ज़्यादा कोई थोड़ी दिन आप लोग को वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग पता है हमारा प्लेयर के अंदर बहुत से कोई भी अपडेट नहीं आ रहा है। और आप लोग पता है जो भी लीक्स रहते हैं अपने प्लेयर के अंदर सब कुछ एंड हो, मतलब खत्म हो चुके हैं, और अभी जितना न्यू जस्ट अपडेट आएगा, क्योंकि जो भी अपना CN32 का जो विनर पास होगा उसके रिगार्डिंग अभी कुछ भी लीक्स नहीं है। तो उसके लिए आप लोग को कुछ मतलब 10 से 15 दिन के अंदर आप लोग को एक न्यू अपडेट देखने को मिलेगा, जो कि आप लोग को दिसंबर के मिडिल तक आप लोग देखने को मिल सकते हैं। जितने दिन आप लोग को वेट करना पड़ेगा, ऐसे अपना जो भी न्यू अपडेट आएगा उसके अंदर आप लोग के बाद जो ग्लिच आप लोग को फिक्स मिलेगा। तो बस ये कुछ मैं आपसे बताऊँ, मैं आप लोग को बता दी, और आप लोग यूट्यूब कोई और वीडियो मत देखना, क्योंकि उसमें भी आप लोग सेम ही चीज़ बताया जाएगा। तो वीडियो कैसे जो से कमेंट कर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, आप लोग फॉलो के रिगार्डिंग वीडियो देखना चाहते हो। तो अपने लोग के साथ इंटरेस्टिंग वीडियो में, टेक केयर।